छोटे पर्दे पर लौट आए हैं शरद मल्होत्रा बनकर महाराणा प्रताप। जी हाँ, शरद कमबैक करेंगे सोनी टीवी के शो महाराणा प्रताप में एज अ ग्रोन अप महाराणा प्रताप। और अपनी इस ग्रैंड वापसी को लेकर शरद बड़े ही एक्साइटेड हैं। और यही एक्साइटमेंट हाल ही में हुए एक पार्टी में शरद ने खास टेली मसाला के साथ शेयर किया। एक बहुत ही बड़े शो के साथ वापसी हो रही है और वो इंडिया का पहला महाराणा प्रताप होगा, तो डेफिनेटली कॉन्टिलो फिल्म्स जो है, सोनी चैनल जो है, उनके साथ मैं पहली बार काम करने वाला हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि चैनल बहुत बड़ा है, प्रोडक्शन इतना बड़ा है, लोग बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर्स बहुत कमाल के हैं। और जो महाराणा प्रताप है, हम सब जानते हैं भारत का वीर है, भारत का वीर था, तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे वो बनने का मौका मिलने वाला है। जी सही कहा शरद, खुशकिस्मत तो आप हैं ही। इतने सालों बाद टीवी पर वापसी, वो भी इतने ग्रैंड रोल के साथ। तो अब ये बताइए, कितनी मेहनत हो रही है महाराणा प्रताप के रोल को निभाने के लिए? कहीं ये लुक महाराणा के लिए तो नहीं है? लुक ये नहीं है लुक। जब लुक आएगा तो आप लोग देखेंगे, तो आशा है आप लोग बहुत पसंद आए, लेकिन डेफिनेटली तैयारी बहुत चल रही है। तैयारी सुबह 7 बजे शुरू होती है और रात के 10 बजे तैयारी चलती है, तो करीब दिन में 12 से 15 घंटा तैयारी चल रही है। तो हाँ, उम्मीद है कि जो मेहनत है रंग लाएगी और आप लोगों को पसंद आएगी। अब सीरियल की बागडोर आपके हाथ में होगी शरद। फैजल की पॉपुलैरिटी तो आप जानते ही हैं, छोटे महाराणा प्रताप तो सभी के लाडले हैं। रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी व्यूअर्स हैं, प्लीज महाराणा प्रताप देखिए। फैजल जो है, जिन्होंने महाराणा के जो बचपन का रोल किया था, बहुत ही कमाल का काम किया था। अब मैं जो हूँ वहाँ से, जो मैंने बागडोर संभाली है, तो बस मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप लोग शो देखिए। बहुत ही बड़ा शो है, बहुत मेहनत है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत बहुत ज्यादा एंटरटेन करने वाला हूँ। चलिए, हम भी यही चाहेंगे कि छोटे महाराणा प्रताप फैसल को जितना ऑडियंस ने पसंद किया है, उतना ही पसंद और प्यार आपको भी मिले। हाय, आई एम शरद मल्होत्रा, यू आर वाचिंग टेली मसाला। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ टेलीविजन, प्लीज सब्सक्राइब टेली मसाला।